आज मैं जो आपको दिए जा रहा हूँ वो वेस्ट बंगाल का हिल स्टेशन है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग से 30 किलोमीटर दूर कुर्सियांग एक जगह है, बहुत ही खूबसूरत, हरी भरी पहाड़ियाँ, बहते झरने, घना जंगल। उसी में जो है मैं आपको ले चलता हूँ। कुर्सियांग में एक है डेथ रोड, ये डाउ हिल और वन विभाग के ऑफिस के बीच में ये सड़क पड़ती है। अब मैं आपको वहाँ ले जाता हूँ, मैंने जो फोटोज दिए उनको भी देखिएगा। आपको एक बार जरूर भूत की कहानी छोड़ी, आपको खुद घूमने का ही मन करेगा, लेकिन रात में जो है यहाँ भूतों का उपद्रव बढ़ जाता है। मैं दार्जिलिंग बहुत बार होया हूँ, दार्जिलिंग के आसपास मेरे सारे रिश्तेदार रहते हैं, जलपाईगुड़ी है और उधर जितने भी हैं सभी जगह करीब करीब मेरे रिश्तेदार भरे पड़े हैं, और इतने हैं कि नाम गुनाने बैठूँगा तो कम से कम 2 घंटा लग जाएगा मुझको पूरा वीडियो बनाने में। इसलिए मैं मुद्दे पर आता हूँ। एक बार की रात है, शनिवार की अमावस्या थी, घनघोर अंधेरा, ठंडक ऊपर से। मैंने जो है क्या करते हैं, एक मेरे मित्र जो कि उनका घोड़ों का बिजनेस था, टूरिस्ट को घोड़ों पर घुमाते थे, उनसे मैंने, वो बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, दार्जिलिंग में रहते हैं, और तो उनसे मैंने कहा यार मुझको जाना है डेथ रोड, वो भी कुर्सियांग, तो कोई ऐसा वो करो कि मुझको वो डेथ रोड तक अंदर तक वन विभाग के ऑफिस तक ले जाए, और वो ले आए। तो कहने की मैं आपको बिल्कुल शुरुआत में छोड़ दूँगा, ठीक है, मैं अपनी मोटरसाइकिल से आपको ले चलूँगा, मैं शुरुआत में आपको छोड़ दूँगा, क्योंकि उसके बाद जो है वहाँ मतलब रात में जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वहाँ भूतैया घटनाएं होती हैं, बहुत लोग उस रूट पर मारे गए हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, इसलिए जो है क्या वहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग रहती है। मैं चुपचाप कहीं किनारे पर छुप के खड़ा रहूँगा, आप पैदल पैदल जाइएगा, कोई पुलिस वाला पूछे तो कहिएगा मैं टूरिस्ट हूँ, मैं इस डेथ रोड पर घूमने आया हूँ, ज़्यादा दबंग न बनिएगा, नहीं तो पुलिस वाले पकड़ ले जाएंगे, रात भर बैठा के रखेंगे आपको, तो कोशिश करिएगा कि पुलिस वालों से मुठभेड़ ना हो। मैंने कहा ठीक है, तो कब चलता है, तो कहते हैं आज ही चलिए, आज अमावस्या है, बहुत ही बात तय हो गई। मैं दार्जिलिंग घूमने गया था, दार्जिलिंग बहुत खूबसूरत शहर है, टॉय ट्रेन में आप लोग हो सके तो टॉय ट्रेन में जरूर बैठिएगा। सिलीगुड़ी से मैं बैठा था टॉय ट्रेन में, और उतर के मैंने आइसक्रीम भी खरीदा, खरीद के अंदर भी आ गया, और जो है उसको जो है क्या कहते हैं आइसक्रीम को खाया भी, और फिर उतरा, पानी वाले से पानी लिया, तो बहुत मज़ा आता है। टॉय ट्रेन छोटी सी है, 4-5 डिब्बों की है, समझे ना, इसलिए जो है क्या कहते हैं मतलब आप लोग कभी घूमने आइए तो बहुत खूबसूरत, वेस्ट बंगाल का बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है, दार्जिलिंग है, कुर्सियांग है। दार्जिलिंग में तो बहुत देखने की चीज़, आगे आप जो है क्या कहते हैं मतलब सिक्किम तक जा सकते हैं वहाँ से, और जलपाईगुड़ी के पास से आप जो है क्या कहते हैं मतलब भूटान तक जा सकते हैं, ऐसे मतलब पूरा आस ही पास सब है। भूटान जाने के लिए खैर परमिशन लेने ज़रूरत पड़ती है, लेकिन दार्जिलिंग तो आप घूम ही सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। कुर्सियांग जो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं अच्छी तरह देख नहीं पाऊँगा क्योंकि रात हो गई है, अब मुझको उस डेथ रोड पर जाना है जिसके बारे में बहुत ही है। अब भाई रात हो गई है, अब मैं थोड़ा सा विश्राम कर लूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। हाँ,
मेरे दार्जिलिंग में बहुत सारे सब्सक्राइबर भी हैं जो कि अदा गदा मुझे फ़ोन करते रहते हैं, तो जो है मैंने अपने दोस्त से कहा, तो वो थे गोरखा, नाम नहीं बताऊंगा, और उनका काम ही था घोड़ों का, घोड़ों को, उनके पास बहुत सारे बहुत खूबसूरत खूबसूरत घोड़े हैं बड़े वो बिल्कुल, और उससे वो जो है टूरिस्ट लोगों को बिठा के पूरे दार्जिलिंग में घुमाते रहते हैं। तो विश्राम के बाद मैंने उससे कहा कि चलोगे, तो उसने कहा हाँ चलिए। 30 किलोमीटर पहाड़ी रास्ता, मैं शाम को निकला था, तो करीब 4 और 5 के बीच में जगह होगी, समय होगा, अभी भी हल्की हल्की रोशनी थी, तो आराम से हम मतलब मैंने देखते 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 सब जो है वहाँ, एक जगह उसने रोका, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। टाइम हो रहा था करीब 6 सवा 6 के बीच में, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, ये सामने जो देख रहे हैं यही है डेथ रोड, और इसमें बहुत भयानक अनुभव होते हैं। यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, जो भी घूमने आया है उसका मेंटल डिबैलेंस हो जाता है, वो आत्महत्या करने की सोचने लगता है। और यहाँ पर जो है एक जो लकड़ी काटने वाले लकड़हारे हैं जो जंगल में जाते हैं लकड़ी काटने, उन्होंने कहा एक सरकटा भूत भी, लड़के का सरकटा भूत घूमता है। एक अभी 12वीं क्लास के लड़के ने फांसी लगा ली थी, उसका भी भूत घूमता है। एक लेडी जो कि मतलब ब्राउन कलर या भूरे रंग के एक साड़ी पहने होती है, वो भी जो है आपके पास आती है, आपसे बातें करती, फिर अपना भयानक रूप दिखाती है, जिससे आप डर के भागने लगे, और भाग के आप गिर जाएंगे और आपका आप मर जाएंगे। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा भयंकर इलाका है, लखनऊ में तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर मैं इस तरह से अनुभव ले सकूँ। एक अनुभव लिया था, तो जो है क्या कहते हैं वहाँ वो दिया, लेकिन आप लोगों ने पसंद ही नहीं किया, पता नहीं क्यों मेरे वीडियोस को पसंद नहीं करते हो, है ना। खैर अब उसने मुझे छोड़ दिया, मैंने एक पानी की बोतल अपने पास रख ली थी झोले में, और कुछ चिप्स के पैकेट रख लिए थे जिसको चबा चबा के टाइम मिला, और मैं आगे बढ़ता गया आगे बढ़ता गया। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और एक पक्का रास्ता था, उस पर मैं धीरे 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 आगे बढ़ने लगा। अचानक मुझको जो है सड़क के किनारे दो लड़कियों की बात करने की आवाज़ सुनाई पड़ी, तो मैं उसके पास से निकला, तो उन्होंने मुझे रोका। पहले तो उन्होंने अपनी अपनी भाषा में कुछ कहा जो मेरे पल्ले नहीं पड़ा, फिर उन्होंने हिंदी कुछ कुछ और अंग्रेजी, अंग्रेजी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत थी, शायद हमारे ख्याल से वहीं की कोई नवयुवतियाँ होंगी। तो मैंने उनको नमस्कार किया, तो उन्होंने कहा, उनका कहने का इरादा था कि आप इस सुनसान इस भयानक रोड पर अकेले अकेले क्यों जा रहे हैं, क्या मतलब कोई आप ऐसे घूमने निकले हैं कि क्या कर रहे हैं। मैंने कहा देखिए ऐसा है, यहाँ पर जो है मुझको बहुत फेमस है कि यहाँ लोग बाग घूमने निकलते हैं, उनको भूत दिखाई पड़ते हैं, उसके बाद वो जो है उनका मेंटल डिसबैलेंस हो जाता है और वो जो है आत्महत्या कर लेते हैं, तो मुझको आत्महत्या करने का शौक चढ़ाया है इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो सुन के बहुत इतनी सुमधुर हंसी हंसी, तो मैंने चिप्स का पैकेट में खा ही रहा था, तो मैंने उनके तरफ चिप्स का पैकेट बढ़ाया, उन्होंने चिप्स लिया खाया और कहा कि देखिए आप अकेले हैं डर जाएंगे, हम लोग साथ चलें। हमने कहा ना बाबा, क्योंकि यहाँ पर मुझको कहा गया कि यहाँ पर कोई लड़की या औरत जो है दिखाई पड़ती है, अब वो जो है जाके भूतनी बन जाती है, बड़े भयानक चेहरा हो जाता है, उसे डर के लोग भागते हैं और गिर के मर जाते हैं,
मैं भैया आप लोग साथ नहीं जाऊंगा। कहे तो हंसने लगी, और फिर जो है एकदम से पता नहीं क्या हुआ, मेरे सामने से दोनों दोनों गायब हो गई। और दोनों गायब हो गए, मैंने कहा अरे ये तो सचमुच की भूतनिया थी, और मेरी चिप्स भी खा गई और हल्का सा डर भी दे गई। खैर मैंने कहा चलो बला टली, मैं आगे बढ़ा। आगे बढ़ के देखता हूँ कि एक लड़का वहीं पेड़ के जड़ के पास बैठा हुआ अजीब सी आवाज़ में रो रहा है। तो मैंने कहा क्या हो गया तुझको? मैं उसके पास पहुँचा, कहा बेटे क्या हो गया, क्यों रो रहा है? और वो एकदम से खड़ा हो गया। अब मेरे तो मतलब समझिए कि जो हो सकता है मेरे दिमाग की उपज हो या कुछ हो, मेरे सामने एक लड़का खड़ा था, 17-18 साल का लड़का होगा, पैंट कमीज पहने थे, झक तो भाई लड़का जब खड़ा हुआ तो मेरे तो काटो तो खून नहीं, मेरे बिल्कुल जो मैं पसीने पसीने हो गया, क्योंकि उस लड़के का तो सर ही नहीं था। अरे बाप रे बाप। और वो उसने खड़े होके मुझको शायद विश भी किया, लेकिन सर के सर तो था ही नहीं। मैंने कहा ये तो ऐसा तो नहीं कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है या कुछ कर रहा हो। मैं वहाँ से भागा, कुछ तेज कदमों से भागा, आगे निकला। निकल के देखा कि जो है एक पेड़ पर दो लड़कियां फांसी लगा के झूल रही हैं। मेरे पास टॉर्च थी, मैंने उनके चेहरे पर, मैं जान गया कि ये तो मर चुकी हैं, फांसी लगा के आत्महत्या की है। मैंने उनके चेहरे को देखा, मेरे हाथ से टॉर्च गिर गया। जानते क्यों? क्योंकि ये तो वही दो लड़कियां थी जो कि मेरे साथ हंस हंस के बात कर रहे थे, कह रहे थे मैं आपके साथ चलूँगी, आपको डर लगेगा, और मेरे चिप्स भी खा गई थी। फिर मैं और तेज़ी से मैं वन विभाग के ऑफिस में आया, कोई भी नहीं था, एक शायद वहाँ पर चौकीदार हो या कोई भी था, वो बैठा हुआ था। उसने हमसे कहा क्या हुआ बाबू? फिर मैंने बोतल निकाली, पानी पिया, उसको सब बताया। तो उसने कहा बाबू ये है रोज का, वो कोई नेपाली लग रहा था, कोई ये तो रोज का काम है, यहाँ पर इस तरह का दिखाई पड़ता है। बहुत से लोगों ने कहा, मैंने तो कभी नहीं देखा, ना मेरे ऑफिस वालों ने कभी देखा, लेकिन जो टूरिस्ट लोग आते हैं उनको ये ज़रूर दिखाई पड़ता है। आपकी जान बच गई, यही बहुत है। अब आप ऐसा करिए कि जो है आप धीरे से वापस हो जाइए, अब किसी के बहकावे में ना आइए, ना किसी की तरफ देखिए, और तेज़ कदमों से आप बाहर निकल जाइए, और जो है क्या कहते हैं फिर आप वापस सिटी चले जाइएगा। मैंने कहा ये बेहतर होगा। तो मैं भैया वहाँ से फिर लौटा, अजीब अजीब सी आवाज़ें, बोलने की, हंसने की, सब मेरा पीछा, ऐसा लग रहा था कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैं और तेज़ दौड़ा, और तेज़ और तेज़ और तेज़ दौड़ते दौड़ते हाँफते कपते मैं वहीं पहुंचा जहां पर मेरा दोस्त इंतजार कर रहा था। मैंने कहा जल्दी से स्टार्ट करो मोटरसाइकिल, उसने मोटरसाइकिल से उसको बैठाया। जब मैं आधी दूर तक पहुँच गया तब मैंने कहा कि जो है भैया ये तो बहुत ही भुतवा जगह है, पता नहीं भुतवा है या लोगों ने मेरे साथ मजाक किया है या टूरिस्ट को ऐसे ही डराया जाता है। क्योंकि वन विभाग में जो चौकीदार था उसने तो हमसे ये कहा था कि ये सब घटनाएं जो है अफवाह है, यहाँ कोई नहीं है, मुझको कभी कोई नहीं दिखा, ना मेरे ऑफिस में जितने लोग काम करते हैं उनको कभी कोई नहीं दिखा, और इस तरह के यहाँ पर टूरिस्ट लोग आते हैं उनके साथ ऐसे ही होता है। तो आप उसी की सलाह पर कहा कि आप तेज़ी से मतलब तेज़ कदम से होते हैं वहीं वापस जाइए जहाँ पर आपका दोस्त मोटरसाइकिल लेके खड़ा है।
और देखिए पुलिस वाले भी हो सकते हैं रोकें आपको, तो आप उनसे इस्तीफा बता दीजिएगा और सीधे निकल लीजिए, उसी को मैं आया हूँ। हाँ भूतवा है, डर है, सब कुछ है, यदि मेरी जगह कोई होता तो शायद उसका मेंटल जो है वो मानसिक रूप से परेशान होकर सच में आत्महत्या कर लेता या मर ही जाता, हार्ट बीटिंग उसकी बढ़ गई थी, मेरी जब बढ़ गई तो उसकी तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस तरह से मेरा ये दार्जिलिंग का सफ़र पूरा हुआ। कुर्सियांग देखा, दूसरे दिन मैं आके दिन में देखा, बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप लोग ज़रूर आइएगा, है ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यदि मेरी कहानी आपको पसंद आई हो, डाउ हिल का जो है, डाउ हिल और वन विभाग, डाउ हिल का जो है डेथ रोड है जो कि कुर्सियांग और वन विभाग के बीच में पड़ता है, डेथ रोड, वहाँ बहुत आत्महत्याएँ हुई हैं, बहुत तरह के भूत दिखते हैं, आप लोग भी भूतों से प्रेम हो तो ज़रूर जाके देखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।